हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्फेरिकल सरफेस की पावर निकालना सिखाता हूँ। तो बेटा, पावर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम टू कन्वर्ज द रेज इन एयर। तो एक्चुअली जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम पावर को 1/f बोलते हैं, पर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा चीज़। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे लेके आनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये मीडियम है म्यू वन और ये मीडियम है म्यू टू। ठीक है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहाँ पे मिलती है। तो बेटा, हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला है रिफ्रैक्शन का म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यही होता है। तो बेटा, इसमें यू कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और वी कितना हो जाएगा? प्लस एफ। तो हो जाएगा म्यू टू बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय माइनस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर। क्लियर है? तो अब माइनस आर क्यों लिया? क्योंकि आप देखो, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, और जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस सिस्टम का म्यू वन मीडियम में है। तो पोल से जब सी की तरफ जाऊंगा तो राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, तो ये माइनस आर। ठीक है, तो ये अब म्यू टू बाय एफ इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। तो ये जो पावर होती है स्फेरिकल सरफेस की, पावर ये पावर होती है म्यू टू बाय एफ। वैसे तो वन बाय एफ होती है, पर यहां पे क्या है बेटा, वन बाय एफ एयर मीडियम में होती है। यहां पे जिस मीडियम में ये कन्वर्ज हो रही है वो मीडियम कौन सा है? म्यू टू, सेकेंड मीडियम। पावर म्यू टू बाय एफ होती है। तो पावर इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। क्लियर है बेटा? ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था पावर का। ये होती है स्फेरिकल सरफेस की पावर। तो आई होप आपको ये पसंद आया। तो आप देखते रहिए यूकॉप, यूनिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स।